बुगदाद वाले बुगदाद वाले ओ बुगदाद वाले बुगदाद वाले तू सबके सुनता हम भी हैं फरियाद वाले बुगदाद वाले बुगदाद वाले तू सबके सुनता हम भी हैं फरियाद वाले बुगदाद वाले बुगदाद वाले दूर दूर से लोग आते हैं दूर दूर से लोग आते हैं जैसी नीत वैसा पाते हैं दूर दूर से लोग आते हैं जैसी नीत वैसा पाते हैं बरबर झोली ले जाते मुराद वाले बुगदाद वाले बुगदाद वाले ओ दाता जवारात हीरो के दाता जवारात हीरो के ओ बुल्ले बिसरे रागी हीरो के दाता जवारात हीरो के बुल्ले बिसरे रागी हीरो के सब पीरों के पीर बड़ी दादा दिवाले बुगदाद वाले बुगदाद वाले ओ आठो पैर नजर रखते हैं आठो पैर नजर रखते हैं आदर जानी जिगर रखते हैं आठो पैर नजर रखते हैं आदर जानी जिगर रखते हैं चौखट पे सिर रखते हैं दादा दिवाले बुगदाद वाले बुगदाद ओ बंदे अली जियारत चावे बंदे अली जियारत चावे गोद पाक के पास बुलावे बंदे अली जियारत चावे गोद पाक के पास बुलावे तेरे ही गुण गावे पीर उस्ताद वाले बुगदाद वाले बुगदाद वाले साहिबान मैं मीर बंदे अली मैं वाला आपसे मुखातिब हूं और ये म्यूजिक नदीम सेंट्रल मुल्तान की तरफ से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है जिसमें अब्दुल सत्तार केटू शब्बीर अहमद मजीद खान साहब छोटे खां सिबले खां शरकत फरमाए हैं और हम आपकी खिदमत करते हैं आप गौर से सुने चलियो देख मुल्क की चाल बदल गई सारी अरे औरत मर्द बड़ा छोटा एक सारे नरे नारी हो मुल्क की
चाले बदल गई सारी। भाई पहले वाला कोई ना रस्म रवाज रहा, पहले वाला कोई रस्म रवाज रहा, अपने पराए का ना शर्म रहा जरा, छोटे और बड़े का ना ठिकाना मिजाज रहा। भाई सादा था तरीका पहला रहा ना लिबास भाई, सादा था तरीका पहला रहा ना लिबास भाई, टेडी को हैप्पी करा फैशन ननास भाई, शर्म हया नहीं रही आस पास भाई, क्योंकि बच्चे बच्चे नैले बैठी या फैशन की बीमारी हो लियो देख जगत की चाल बदली गई सारी। भाई देश में मिले थी सारी चीज ठीक ठाक भाई, देश में मिले थी ठीक ठाक भाई, भाई देश में मिले थी सारी चीज ठीक ठाक भाई, आज डालडा पे जोर पाकिस्तान की खुराक भाई, 591 की जगह मैक्सी पाक भाई, और नकली चीज खावे पीवे बड़े बड़े अफलातून, गर्मी चीज खावे पीवे बड़े बड़े अफलातून, गर्मी में भी चाहे पी मैं चाहे हो महीना जून, मिला ना खुराक सही फेर के बने था खून, रे असल चीज ने फिरे दरकते लखों के व्यापारी हो लियो देख मुल्क की चाल बदल गई सारी। फिरे नौजवान भाई ऊंची एडी बारे बूट पेरे फिरे नौजवान, बाला ने बदाले जिसने दोनों ढके रहे कान, डाढ़ी मूछ साफ मुंह पे खून का ना हो निशान, देखे ना स्कूल चाहे पढ़ाना हो दो जमात, देखे ना स्कूल चाहे पढ़ाना हो दो जमात, बाबूजी को वहां में चाहे करनी नहीं आवे बात, करेंगे बधाई मेरी डीसी के ला मुलाकात, और कर्तव्य देखो थे मजदूरा मैं तगारी हो लियो देख जगत की चाल बदल गई सारी। सुनो हाल कैसा ये जमाना आया औरता का, सुनो हाल कैसा ये जमाना आया औरता का, सुनो हाल, पाउडर और करीम ला में होठों पर सुर्खी डाल, और ढेना दुपट्टा और अंग्रेजी कटा में बाल, पर्दे का ना काम पर है मर्दा वाले सूट भाई, पर्दे का ना काम पर है मर्दा वाले सूट भाई, पर्दे का ना काम पर है मर्दा वाले सूट भाई, कोचला में खाने खावे जरा नहीं झूठ भाई, सिनेमा का शौक दे दे घर वाले भी छूट भाई, अरे फोग मतीरे खाने आली भी मांगे पान सुपारी हो लियो देख जगत की चाल बदल गई सारी। बड़ा जो करे नसीत भाई, मन न समझाए बच्चे बड़ा जो करे नसीत, रोजाना नमाज करे चाहे हो दोहरे मसीत, रेडियो की गेला गावे घरा में उगाड़े गीत, और भले मानसत कदे करे ना दुआ सलाम, भले मानसत कदे करे ना दुआ सलाम,
करेंगे कबाड़े और दरवाले शरीफ नाम, लुंगड़ा में बैठे उठे उल्टे सीधे करें काम, और सत्संग का फल मिले बड़े बचपन में चोर जुगाड़ी हो लियो देख, जगत की चाल बदल गई सारी। कविता का कर गया तोड़, जमुआ मीर सुनारी वाला कविता का कर गया तोड़, दीप चंदर देवा लक्ष्मी बाजे मांगे राम गौड़, दंपत सिंह निदाने आला सांगिया का हो गया मोड़, पाकिस्तानी सांगी बन गए एक तारा पे गाने वाले, पाकिस्तानी सांगी बन गए एक तारा पे गाने वाले, रागनी बना के देश है ढोलकी बजाने वाले, इजड़े नचाने लगे बेड़े बंद को आने लगे, कह बंदे मीर पुराने थे तो मर गए झंडू बनवारी हो लियो देख, मुलक की चाल बदल गई साई। अब आपको किस्सा सुनाया जाता है शाही मीनार, शहर धर्मगढ़ के रहने वाले राजा धर्म सिंह, जिसके चार लड़के, बड़े का नाम भरत सिंह, उससे छोटा चंद्र सिंह, उससे छोटा जगभानु और उससे छोटा रतन कुमार, यानी खुद धर्म सिंह जो होता है वो बड़ा मरूर आदमी होता है, वो एक किस्म का खुदाई का दावा करता है और कहता है कि तमाम रियाया सल्तनत पब्लिक हुकूमत तमाम मेरे कर्म से खाती है, सब बुलाकर सबसे पूछता है कि बताओ किसके कर्म से खाते हो, सबके सब खौफ से डरते हुए घबराते हुए कहते हैं कि महाराज तेरी किस्मत से खाते हैं, लेकिन जिस वक्त अपने चारों लड़कों को भी शामिल करता है, बड़े तीन लड़के कुछ और जवाब देते हैं और छोटा लड़का रतन कुमार जो है वो कुछ और जवाब देता है, अब धर्म सिंह अपने लड़कों को बुलाकर उनसे पूछता है वो उसको क्या जवाब देते हैं। जी महाराज, आप ये बताओ इस दुनिया जहाँ में किसके मुकद्दर से रोटी पानी खाते हो? अब्बा जी हम तो सिर्फ आपके मुकद्दर से खाते हैं। अच्छा दूसरे को बुलाओ। क्या रे जंगानू? जी पिताजी। तुम भी ये बताओ कि किसके मुकद्दर से इस दुनिया जहाँ में रोटी खाते हो? हम भी आपके मुकद्दर से खाते हैं। उस तीसरे को भी बुलाओ। जी महाराज। क्या रे? जी तुम भी बताओ इस दुनिया जहाँ में किसके मुकद्दर से रोटी पानी खाते हो? पिताजी हम आपके मुकद्दर से खाते हैं। अच्छा जाओ तुम्हारे उस रतन कुमार छोटे भाई को भेजो। क्या रे रतन कुमार? जी महाराज। ये बताओ इस दुनिया जहान में किसके मुकद्दर से आप रोटी पानी खाते हो? पिताजी ये भी कोई पूछने वाली बात है? संसार में ऐसा कौन बशर है जो इस बात को ना जानता होगा? अच्छी तरह से तमाम दुनिया जानती है कि कौन किसके कर्म से खाता है। बस मैं तो ये जानता हूँ जो भी इस दुनिया में है सब मेरे मुकद्दर से खाते है। तोबा भी मेरे भाग से खाती है। ऐसा ना कहिए महाराज। क्यों? गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। नहीं नहीं हमारे गरूर का सर हमेशा ऊंचा होता है। तो आपका मतलब? आप ही बताएं, या तो ये कहो वरना याद रखना मैं सजा देने वाला भी हूँ। हम कोई परवाह नहीं करेंगे। फिर आपका मतलब क्या कहना चाहते हो? जो सच्चे बंदे सब के जान चाहिए से, जो सच्चे बंदे से रब के जान चाहिए से, और मन क्या परवाह न बसी भगवान चाहिए से। ओ मैं चित प्रेम बीच में देलू सिर्फ धारण दुखड़ा खेलू, मैं चित प्रेम बीच में देलू सिर्फ धारण दुखड़ा खेलू, और न्यू जोड़ी करके ले लू उसका दान चाहिए सा, मन चाहेगी परवाना सिर भगवान चाहिए सा। मेरा गुस्सा बात से जगह बोल जरा बर्ची के सा लगे
उसे बाप से जग बोल तेरा बच्ची कैसा लगे क्योंकि बाप ने बेटे आगे ना अब मान चाहिए मन चाहे की परवाना श्री भगवान चाहिए सच्चे बंदे हों से रब को जान चाहिए से मन चाहे की परवाना श्री भगवान चाहिए से तने जो आग गाज में लादी मचना बरती इसी आजादी जो मेरा आग गाज में लादी मचना बरती इसी आजादी मन नेक नीति मुन सब सदी संतान चाहिए सा मन क्या है कि परवाना श्री भगवान चाहिए सा हो सच्चे बंदे हों से रब से जान चाहिए सा मन क्या है कि परवाना श्री भगवान चाहिए सा और मेरा ख्याल तो यूँ है क्या है आपको हमेशा के लिए ये यकीन हो जाए मैं इस दुनिया में जिंदा सलामत रहूंगा मगर मैं तो कयामत तक भी नहीं मैं शांत ही धरती में यूँ खड़ा रहेगा ओ जो दो दिन का दर्शन मेला तेरा उड़ जाएगा भंवर अकेला जो नौ दिन का दर्शन मेला तेरा उड़ जाएगा भंवर अकेला और जो जमुना का चला ठीक निजान चाहिए सा मन क्या है कि परवाना श्री भगवान चाहिए सा वो सच्चे बंदे हो से रब का ध्यान चाहिए सा मन क्या है कि परवाना श्री भगवान चाहिए से ओए लड़के जी महाराज तुम्हारी बातें हमने सुन ली है सब हमारे खिलाफ हैं लेकिन याद रखो हम आपको सजा देते हैं आपको जाना पड़ेगा आपके लिए 12 साल का दसोटा एकदम से 12 पत्थर बाहर जाओ बस बस 12 नहीं बल्कि 13 साल लिखे 26 साल का लिखवा ले यार आगे तो जरा सी कलम चलेगी बेहतर है हमें सिर्फ 10 मिनट की इजाजत दो क्या मैं घर तक जाऊंगा क्या करने के लिए घर वालों से मिलकर जाना चाहता हूं अच्छा जाओ अगर 11 मिनट लग गई तो 12 साल का और लिख दिया जाएगा बेहतर है जनाब जाओ भाई को नहीं था दूसरा रगेल बरतन कमर जल्दी चला और झट पहुंचा था भाभी के महल में आइए बेटा आप आए क्या बात है आपके चेहरे पर उदासी क्यों है उदासी हाँ क्या बताऊं उदासी कैसी है आज कुछ बताने वाली बात भी नहीं और कुछ छुपाने वाली भी नहीं ऐसी क्या बात है जो बताने वाली भी नहीं और छुपाने वाली भी नहीं क्या बताऊं आज मेरे साथ ऐसा वाका गुजरा है कि जिसको मैं छुपा भी नहीं सकता और बता भी नहीं सकता हूं देखिए आप मुझे जरूर बताएं फेरी तो तू के पूछेगी मन मेरे की हाँ यारी क्या पूछेगी मन मेरे की ओ चारा हो गया मोटा बारह साल के पूछेगी मन मेरी मन बारह साल का और मन बारह साल का मिला तो सच्चा बन में जाना होगा 12 साल का मिला भी सच्चा बन में जाना होगा कमरे नाल हवेली छोटी अलग ठिकाना होगा रजबंशी पोशाक छोड़ दी दुर्बल बाना होगा अरे अलवा पूरी खीर छोड़ के यो बन फल खाना होगा मैं पत्या पे डर के खा लूंगा ना धोरे बसन लोटा और बाप मेरे ना जुर्म कर दिया 12 साल दिसोटा ये पूछे कि मन मेरे की चारा हो गया मोटा बाप मेरे न जुल्म करे दिया 12 साल सोचा ये पूछे कि मनी हमारा ना कैसा देश का
ठरे जो बन की गठा उठरी अबर करो मेरी प्यारी, जिन पे बिपतार के मछती जबर करो मेरी प्यारी, ठरे पीहर में जो भाई उन पे खबर करो मेरी प्यारी, मैं बनो पास न चाल पढ़ार तुम सबर करो मेरी प्यारी, एक धौड़ी साड़ी बांध लियो या दिया चार के नारी गोटा, री बाप मेरे न जुल्म करे दिया बारह साल दिसोटा, ये पूछेगी मन मेरे की चारा हो गया मोटा, बाप मेरे न जुल्म करे दिया बारह साल दिसोटा, ये पूछेगी मन और तू का कर दूं क्या मेरे पिता का हुक्म बता दे मैं क्यों कर दूं क्या, रिदिदा जान चा बांध लिया मगन धर्म का पा, दुनियादारी तू कहो जा दरगाह में भूता, और सुन ले ते के थुक वदन पत मीर निदाने आरा, जिसने दे दिया मेरे हाथ में संग करने का सोचा, और बाप मेरे ने जुल्म करे दिया बारह साल दिसोटा, ये पूछेगी मन मेरे की चारा हो जा मोटा, बाप मेरे ने जुल्म करे दिया बारह साल दिसोटा, ये पूछेगी मनी मेरे पिता ने अच्छा मेरे लिए बारह साल का दिसोटा लिखा है। तो आपके पिता ने आपके लिए बारह साल का दिसोटा लिखा जरूर, और आपके बगैर हमारा दिल यहाँ कैसे लगेगा? मेरा तुम्हारे दिल से कोई मतलब नहीं। देखिए तुम हमारा देवर लाडला, और तुम जावा। मैं जाऊंगा जरूर, मेरे पिता का हुक्म है, मुझे तो लाजमी जाना पड़ेगा। लाजमी जाना पड़ेगा। हाँ बोले हम न छोड़े अकेली, हम न छोड़ी अकेली तुम हो कित ताल पड़ा बनवास, यदि तो मेरे पिता का हुक्म मेरी ना ठहरन की गुंजास, छोड़ अकेली तू कित ताल पड़ा बनवास, पिता का हुक्म मेरी ना ठहरन की गुंजा, बाप का नुगरा रसा छिड़ गया, वो तबुटा हो के डूब गया, अकल पर पड़ता पड़ गया, तेरी वो बड़े बोल बोले था सुन के मेरे नाग सा लड़ गया, जीव जाने पूछ के मत ना करिए वो बत्ते घर का नाश, आज मन करके नाश देखना सेरी मेरा मिट जागा विश्वास, हमने छोड़ अकेली तू कित चाल पड़ा बनवास, मेरे पिता का हुक्म मेरी ना ठहरन की गुंजास, केलेगी
अरे आनंद करे न महल में मेरा तेरे बिना जी लगे तेरी तेरा आपे जी लगे गए जब तेरे बंदी फिर टहल में वो तेरे नौकर चाकरी के बंदी नदी ना करती रे बात ते इस ते बाद दवाई और मेरा नहीं दूसरी दास हमने छोड़ अकेली तू किसी चल पड़ा बना बमास मेरे पिता का हुक्म मेरी ना ठहरण की गुंजार मेरे नाम का कितनी है बने बीमार ना क्या है मैं मन तेरी और किसे का दोष नहीं मेरी कड़ाई का फेरा क्यों कर खेलूं बाजी इतनी तो कौन है मेरी चरास हमने छोड़ अकेली तू कितनी चाल पड़ा तम बमास मेरे पिता का हुक्म मेरी ना ठहरण की गुंजास बड़े शौक से तेरे देख लूं हाँ बड़े शौक से तेरे देख लूं कौन बन जाऊंगा दो मिनट काल तू लागे वो गुरु गणपत मीर सजा दे दे गरी हाथ में बैठ उठा के ये जिनके मिले सांस में सांस हमने छोड़ अकेली तू किस चाल पड़ा बन बवास मेरे पिता का हुक्म मेरी ना ठहरण की गुंजास अच्छा की गुंजास मेरे पिता के सामने मेरी कोई गुंजाश काम नहीं करती मेरे पिता का हुक्म है कि 12 साल के लिए शहर छोड़कर बनवास चले जाओ जरूर जाओ लाजमी अच्छा मर्जी है जाना मुझे लाजमी पड़ेगा जाना पड़ेगा हाँ तो आप जा सकते हैं जाना तो जरूर पड़ेगा मैं जाते वक्त उस छोटी से भी मिलता हूँ रतन कुमार हाँ किस चाल पड़ा तो मैं बनवास जाऊंगा मारा क्या हाल होगा और तुम्हारा तो इस घर का हाल तो तुम्हारा हाल मेरी बात सुन तेरे बिना एक साथ रात के साल बराबर हो जा मजा ये बरतारी नारी तेरी गाल बराबर हो जागी तेरे बिना एक साथ रात के साल बराबर हो जा
रात गई साल बराबर हो जा मत जाइए बरतारी नाल तेरी गल बराबर हो जाएगी तेरे बिना चात रात गई साल बराबर हो जा दर्द मरद जात दड़े भागते परितीला कदा तेरी बाबी सुन कलवा कली जहर की खाले कुबजा कार किरसन जी कज मुतरा परी बसाले सुन रादे करे तलाशिया सुनंदे लाल बराबर खो जागी तेरे बिना एक शात रात कई साल बराबर देखिए मुझे तो लाजमी जाना पड़ेगा फिर क्या मैं मजबूर हूँ मेरे पिताजी का हुक्म है मैं उसको नामंजूर किसी हालत में नहीं कर सकता देखिए ये तो मैं भी मानती हूँ कि आपके पिता का हुक्म है लेकिन आपके बगैर हमारा तो दिल लगना ही तेरी तो सुन मेरी भाभी करे खराबी तेरी तेरी चाबी चले चाबी और चला शराबी छोड़ न भाभी बनो बसना चार हो किस्मत लाचार हो सुन मेरी भाभी करे खराबी
खुद आप मेरा बिर बाप मेरा, आप मेरा बिर बाप मेरा, जब जाप मेरा दिल जाप मेरा, लिए छाप मेरा इंसाफ मेरा, उस मालिक दरबार हो जरा करी करता रहो, चुन मेरी भाभी करे गरबी जेही तभी जले चबी चला शराबी, छोड़ न भाभी बनो बासना त्यार हो किस्मत लाचार हो, सुन मेरी भाभी करे गरबी तेरी तू तो सोला रसी हो पत्री और मने यो किस्मत यजमान खतरी, ओ मने यो किस्मत यजमान खतरी, यो छोड़ा कुणबा घर से ना चाचा घर से, छोड़ा कुणबा घर से ना चाचा घर से, ऐ चाचा घर से क्यों कर मर से, और पंजा सिर से जिन पे हर से उजाड़े बाजार हो सब सती संसार हो, सुन मेरी भाभी करे शराबी देरी तभी जले सभी चला शराबी, छोड़ न भाभी बनो बसना त्यार हो किस्मत लाचार हो, सुन मेरी भाभी करे शराबी मन लिया मान पिता का तेरी कानो चाहे हथियार धरा रहो पहला चेहरी हथियार धरा रहो पहला, देखा मैं क्यों कर कटिया सच पे डट जा, क्यों कर कटिया सच पे डट जा, क्या चल जा क्यों कर घटिया और क्या क्या हट जा, जवाब पलट जा उस ईश्वर की मार हो सब सती संसार हो री, सुन मेरी भाभी करे गरबी जा मैं चोट बखत की यारी खेका और जा मैं जमुआ मीर की लेके इजाजत जमुआ मीर की लेके, देख मैं जीतू जंग में कसके जंग में, जीतू जंग में कसके जंग में, कडू बंग में नारे दंग में, मैंने रंग मेरे गणपत सिंह में, रोज सांग की कार हो साज बाज की तार हो, सुन मेरी भाभी करे गरबी देरी तभी जले तभी चला शराबी, छोड़ न भाभी बनो बाजना त्यार हो किस्मत तेला चार हो, सुन मेरी भाभी करे। अब मैं जाता हूँ, मुझे इजाजत हो लाजमी। अच्छा जी, अब वो अपने घर से निकलकर चलता है, 7 दिन वनवास में रहता है, 8वें दिन दमिश्क पहुंचता है, दरवाजे पर एक बुढ़ा सा मनियार चूड़ी बेचता हुआ उसको मिलता है और वो देखकर उसके साथ क्या बातचीत करता है। हाँ मनियारे। हाँ मनियारी। वो कि मैं खान पीन ले जावा ना। खान पीन ना? हाँ। तेरा के मतलब से? मैं न्यू कुछ हूँ। हाँ। इमाम तजीब जिंदा में तेरे घर मारे सुना। ठीक। मना देखे मैं पेट भराई मिलता है ना। अच्छा सूखे डंड पीला से? और मेरे साले की न्यू भी क्यों करे, पहला मैंने रोटी का बंदोबस्त करके खुआ पिया के फिर काम पे भेज। मनियारे बात तो तेरा और रहने दे। अच्छा एक बात और से। वो के बात? तू मैंने प्यारा बहुत लागे। मैं? हाँ। तेरे प्यारा लागू किस आगे बता दू? बताइए दिखा दे। ना ना मैं तेरा जानू सु पर तू बता तेरे से। अच्छा बता के देखा। मने तेरे बिना तेरा यकीन नू पता नहीं लगता तू के कह है। मनियारे। हाँ। मेरी बात सुन। के बात? ओ तेरे दिल ते दास रहूंगी। अच्छा। तेरे दिल ते दास रहूंगी मुँह ते बोलिए जले तेरे हर दम पास रहूंगी मुँह ते बोलिए जले दास रहूंगी मुते बोलिए जले तेरे हर दम पास रहूंगी मुते बोलिए जले तेरी दिल ते। तेरी जांगी खैरी
आया आस रहूंगी मोते बोलिए जले तेरे हर दम पास रहूंगी मोते बोलिए जले तेरे दिल से चढ़ी आकाश रहूंगी नु मैं चढ़ी आकाश रहूंगी मोते बोलिए जले तेरे हर दम पास रहूंगी मोते बोलिए जले तेरे दिल से जैसे ओ समर्द वीर का ऐसा कर इकलास रहूंगी ऐसा कर इकलास रहूंगी मोते बोलिए जले तेरे हर दम पास रहूंगी मोते बोलिए जले तेरे दिल से शाबाश रहूंगी लेती शाबाश रहूंगी मोते बोलिए जले तेरे हर दम पास रहूंगी मोते बोलिए जले तेरे दिल ते दास रहूंगी हाँ मनियारे हाँ मनियारे सुने तने मैं चला जा और काम पे जा हाँ चीज बात चला जा तवले से करा जी मैं तो आत्मो करा कल है पे निया सिंपा दया मिकारा आत्मो करा कल है पे निया सिंपा दया मिकारा और वो चूड़ी बेचन चाल पड़ा ये बूढ़ा सामने हाथ मोगरा कंधे बेटी सिर पे दरा पितारा रे चूड़ी बेचन चाल पड़ा एक बुढ़ा सामनियारा हाथ मोगरा चाल पड़ा एक बुढ़ा सामनियारा काया केवा कच्ची चोसनी रकाली पीली हरी सोसनी काया केवा कच्ची चोसनी रकाली पीली हरी सोसनी चूड़िया की दिलसी रोसनी जो चंद्रमा दोरा तारा मैं चूड़ी बेचन चाल पड़ा एक बुढ़ा सामनियारा हाथ मोगरा कंधे पे सिर पे धरा पिता चन चाल पड़ा एक बुढ़ा सामनियारा गतरा सुमे ठीक जान मैं कह दी बात बड़ा विधान मैं गतरा सुमे ठीक जान मैं कह दी बात बड़ा विधान मैं मनियारे का पाकिस्तान में सबका ढंग सरना हाँ चूड़ी बेचन चाल पड़ा वो बुढ़ा सामनियारा Thank you.
बेचण चल पड़ा वो बुटा सामनिया हाथ मोगरा बड़े मियां सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। चूड़ी पहनेगा भाई? है इतना बड़ा बेवकूफ? क्यों, कभी लड़के चूड़ी पहनते हैं? अरे लड़के क्यों पहना, आदमी खुशी में पहन लिया। और लड़के नहीं हाँ। कभी मगा छोरे चूड़ी पहना करे? सो मारे हाथ पहना रही है, मेरे भी हाथ में स्टोर से। अच्छो मैं नहीं हाँ हाँ, मैं कहता हूँ मगा मर्द चूड़ी नहीं पहनते। मर्द सदा अस्पताल में चला जाना, अस्तर खुल जा रहा है। यार अच्छा आदमी मिला सवेरे सवेरे, तू कैसी बात करता है? मैं सीधी बात करता हूँ, उल्टे जवाब देते हो। मैं उल्टा नहीं भाई। और बोनी के भगत तू आया से? अच्छा बोनी के भगत आगे आ गया, कोई आ जाओ वो चूड़ी पहरो। बिल्कुल। और जब बंदा बसर से भैया क्या आ जा, आगे आ जा, कोई डांगर ढोर कोई झोटा आ जा। झोटा आ जा मैं तो दो दो झोटे के सिंगा मार जा। और फिर पैसे किस दौरे ले? चार दिन टाइम को बर्बाद कर लू। अरे शेर के बच्चे, अच्छा दुकानदार है। पहले आप ये बताओ कहाँ हो, कहाँ से आए, कहाँ जाओगे, क्या नाम, क्या गांव, क्यों फिरते हो, क्या काम? बस मैं वहीं से आऊँ, वहीं जाऊँगा, वही मेरा नाम, वही मेरा गांव, यही फिरता हूँ, यही काम है। नहीं हमने साफ साफ खोल के बताओ, तुम्हारा मतलब क्या है, तुम कौन हो? मैं हूँ शाही मनियार। शाही मनियार यानी कि रात भरों के मनियार। काम क्या करते हैं आप? काम हाँ, चूड़ी बेचने का। कम से कम आप तो बताएं, मेरा एड्रेस तमाम लिख लिया आपने, आप तो बताएं कौन है, कहाँ से आए? मेरा कोई पता ठिकाना नहीं, मैं तो एक लापता आदमी हूँ। लापता? हाँ। तेरे बारे कटवा दूँ? अच्छा अनाड़ी आदमी, मैं कोई मुजरिम हूँ? मगर दो सिपाही जाएंगे, गड़तावड़ा पा जाएगा। बाबा तुम्हारा मतलब क्या है, तुम क्या चाहते हो? हमारा मतलब ये है अगर आपको कोई रख ले तो आप रह सकते हो? मैं हाँ रह सकता हूँ। किस शर्त पे? इस शर्त पे रहूंगा कि मैं किसी का नौकर बन के नहीं रहूंगा। अच्छा। चाकर बन के नहीं रहूंगा, टहल करने वाला खिदमती नहीं बन के रहूंगा। अरे बाबा नहीं, मैं कहता हूँ कोई अपना अजीज अकारब, अपना बेटा बेटी, अपना भाई बंद बना के रखे तो मैं रह सकता हूँ। भाई साहब आपने सब कुछ बना के रखेंगे फिर, लेकिन पहला मैं अपने घर सलाह करूंगा। सलाह करोगे? नहीं तो तुमने ले जाऊ। किससे सलाह करोगे भाई? घर में घरवाली है तीन। तीन घरवाली है? हाँ। तो जाओ फिर उनसे पहले पूछ लो। हाँ उनसे पहले पूछ लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलूंगा। जल्दी आओ, 10 मिनट नहीं लगने देती जनाब। जल्दी आना। यो आया बस तोड़ा आया। हाँ मनियारे आ गया तू? हाँ मनियारे। बड़ा जल चाह में भर जैसा मनियारे आते तू? हाँ मैं पूछा है, बस हाथ हो रही है। हाँ उतने के पा जाए तू, क्यों चाह में भर जैसा? मने चीज पाई चीज चीज ऐसी हाँ। अब जिसका जवाब नहीं। मैंने बता के पाया था ना? मैंने एक पा गया लड़का। लड़का? हाँ। कितनी उम्र का सर? सैको 17-18 के बीच बीच में। अच्छा जवान छोरा, नौजवान है। अच्छा छोरा से? बिल्कुल। जा मनियारे लिया फिर उसने फटाफट। लिया हूँ हाँ। अच्छा चले मैं जा सू। जा तू घर खड़ी पाइये, मैं इतने लेकर आया। अरे ओ भाई सलाम अलैकुम। बड़े मियां आ गए हो? हाँ आ गया। होगी तुम्हारी सलाह? हमारे घर के मुझसे ताई राजी है। फिर मैं चलूं तेरे साथ? चल हमारे साथ आओ फिर। नू नहीं भाई। और पहला नेक बना ले। नेक क्या बनाऊं, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई? या तो मेरे समझ में नहीं आई। अरे भाई तो तू मेरा चाचा मैं तेरा भतीजा। नहीं यार चाचा भतीजा का भी नेक कुछ नहीं होता। तो फिर तू मेरा धर्म का बाप और मैं तेरा बेटा। हाँ बस यह बात ठीक, तू मेरा धर्म का बाप और मैं है? यार कैसे बोलते हो? और अरे भाई तू मेरा बाप और मैं तेरा बेटा। छोड़ यार को और बड़ा नेक बना। अच्छा तो भाई तू मेरा ताया हाँ। और मैं तेरा बेटा? हाँ तू मेरा ताया। यार फिर उसी तरह से उल्टे बोलते हो। नू कौन को भाई, मैं ताया और तू बेटा? अच्छा भाई मैं ताया तू बेटा हाँ। ठीक है ठीक है। अच्छा मनियारी खड़ी पाओगी फिर? हमारे घर के सामने तीनों। अच्छा उनका अगर मन न ताई के ये ना। अरे मुँह पे मुछे खड़ी और ताई बनता है? अरे पानी पहनेगा, बुआरी दाढ़ी का रोटी टुकड़े का काम मैं करूँ, छोड़ के मेरा फूफा करे। चलो भाई हम तो तन्न ताई कह देंगे। हाँ आ जा। चलिए फिर। हाँ मनियारे आ गया तू? हाँ मनियारी। हाँ देख ये है वो लड़का। मनियारे छोरा बहुत अच्छा है। छोरा अच्छा है? हाँ बस इसमें काम में भेजेंगे। बड़े मियाँ हाँ ये है मेरे ताऊ। हाँ भाई ये है तेरे ताऊ। तो मुझे काम बताओ मनियारे। हाँ छोरा तुमने कमा कर खुआ था? बिल्कुल भाई साहब आपने चूड़ी बेचनी पड़ेगी। चूड़ी कैसे बेचनी पड़ती है? चूड़ी बेचनी तो मैं बताऊंगा। कैसे?
देखिए जनाब नकद तो चूड़ी पर आइए। हाँ ठीक है, बड़े आदमी ने भी कहा है भाई 9 नकद अच्छे और 13 उधार कुछ नहीं। ठीक, नकद चूड़ी पर आइए। और जनाब एक ले जाए गांव में बड़े नजब सोटा, एक सोटा और भाई ये 1.25 लाख रुपए की चूड़ी और नीची नजरें होनी चाहिए। ठीक बात है, बहु बेटियों में औरतों में जाने का मेरा काम है। हाँ, मेरी नजरें नीचे होनी चाहिए। सबसे पहले बड़ी बात नीची नजरें होनी चाहिए। नगर चूड़ी पर आइए, गांव में बैठते कान का हाथ धरकर बैंगनी चूड़ी रुका मारे, बैंगनी चूड़ी ले लो रणी को चूड़ी। देख लिए, दो बात ठीक बता दी, तीसरी ऐसी बताइए कि आदमी नहीं पिटता हो जब भी पिटने के काम। क्यों कैसे ना बोला ले ले रहा रंडवे चूड़ी, रंडवे चूड़ी भूपी ना पड़ाओगे और छाती पे माई अपनी ताई पे फुटवाओगे। चलो भाई हम तो तेरा कहना मान लेंगे। हाँ, तौड़ा हाथ पैसे कमा के लेकर आ। अरे तक दे राजा का कमर था, अरे आज बन बैठा मनिया रे भाई चूड़ी बेचन चल दिया, तलिया कर ककर गता मार, अरे को चूड़ी ले लियो मोल फिर एक गाड़ा में मनियार, हाँ चूड़ी ले लो मोल फिर एक गाड़ा में मनियार। भाई काली पीली और कासनी चेको पैरो लाल हरी, अरे काली पीली और कासनी चेको पैरो लाल हरी और चमकदार मजबूत बचेरी, जो जिस तरह पसंद करी मैं वैसे लूंगा, दाम करारे जैसी दूंगा चीज खड़ी, और चाहे कोई बलदार पहर लो, चाहे कोई बलदार पहर लो, चाहे पैरो शीशा आली और चाहे पतरंगी पहर लियो, चाहे नए नए शीशा आली और चाहे रबड़ की पहर लियो, जो गाट बाद पीछा आली लियो, पहले पैसे खोल कदे बच्चे निकले तकरार, अरे चूड़ी ले लो मोल भाई अमरीकन जापानी चूड़ी बढ़िया चीज विलात की, अमरीकन जापानी चूड़ी बढ़िया चीज विलात की, और रंग बिरंगी चूड़ी देखो छोटे बड़े हाथ की, एक मारवाड़ दे पर कानी की मैं चूड़ी आधी दांत की, ओ लेडी बूट सूट रे समका, अरे लेडी बूट सूट रे समका, जिसमें लगे चमकारा और पहन आली भी सुंदर हो, सोने का देवर सारा एक वेस्टर्न वॉच गड़ी लेडी, ओ चूड़ी फेर चांद तारा जा दीख कड़ाई गोल पर फिर छोरा की किलकार, अरे चूड़ी ले लो मोल फिर। एक महीने की चूड़ी जिसमें तरह तरह के रंग भरे, भाई एक महीने की चूड़ी जिसमें तरह तरह के रंग भरे, एक जगह जोत की चूड़ी जिसमें जांच जांच नग ठीक धरे, एक आधी रात पहर का तड़क नए नमूने तैयार करे, अरे नारे नारे नाम गिना दूं, अरे नारे नारे नाम गिना दूं, चिट्टी खट्टी डमल कट और खिड़की और सभी हाचूड़ी, एक चूड़ी का ला लटपट भाई जाड़ी और डोरिया से, एक चूड़ी का ना उल्टा चिलियो कांटा धरके तोल वजन में, ये सब चूड़ी एक सार, अरे चूड़ी ले लो मोल। से पहली बात पसंद का सौदा मैं चेपू नहीं जबरदस्ती, अरे पहली बात पसंद का सौदा मैं चेपू नहीं जबरदस्ती, और कह बंदे मीर जरूरत आरा ना देखे महंगी सस्ती, और इश्क मिजाजी चूड़ी क्या मैं सतलुज मील शेख बस्ती, अरे हरियाणा पंजाब सिंध का, अरे हरियाणा पंजाब सिंध का, सुपका व्यापारी मैं
जो दुनिया के मशहूर कलर संसारे मेरी पिटारी मैं और मिला हकीकत की चूड़ी मारी बड़ी आट सुनारी मैं मन जय को देले बोल मलूंगा उड़े गाठड़ी तार चूड़ी ले लो मोल अब वो चूड़ी बेचता हुआ गदना के महल के करीब जब पहुंचता है तो वो उसकी आवाज को सुनकर आती है और आकर उसके साथ क्या बातचीत करती है वो ते मालिक दिया यो दुख मटारे बालक पण में मिला दिसटा ए मालिक दिया यो दुख मटा बालक पण में मिला दिसटा अरे गठड़ी ठाली ले लिया सटर चूड़ी बेचन चल पड़ा ए मालिक की धूप देख साड़ी की धूप और रूप दूसरा धारण लगा रूप दूसरा धारण लगा बिगड़ा वक्त बिचारण लगा वो ठाडू रुके मारण लगा जब गलिया के बीच बड़ा ए मालिक दिया का लड़िया ओ बरगेश करन का धारा ओ बरगेश करन का धारा हसम हो गया मोटा चाला वो घटना खा के बड़ी तिमाना दिव अख्या कर दियो अरे दूर आपस में मिली घूर ते घूर आपस में मिली थी घूर ते घूर और कई सकोड़े गात करी थी कई ऊर सकोड़ा गात करी थी चार करने बात करी थी वह बीरा की पंचायत खड़ी थी चौंध लाग गई वो आखड़ा यो दुख मचा ए मालिक दिया या दुख मटा बालक पर में मिला दिसोटा गठड़ी ठाली ले लिया सोटा रे चूड़ी बेचन चाल पड़ा ए मालिक दिया या दुख मटा बालक पर में मिला दिसोटा गठड़ी ठाली ले लिया सोटा रे चूड़ी बेचन चाल पड़ा मारण लगे वो जिन गलियों के बीच बड़ा ए मालिक दिया या दुख मटा का लग गया ओ परदेश करण का धारा
मिली घूर ते घूर ओ आपस में मिली घूर ते घूर और कई ऊर सकोड़े दास करी थी पंचाच खरी की चौल लाग जी वो आखड़ा पतमीर तू सांग करा दल मनियारे का ठीक गरम गजला हाँ तने कुछ देखा तने क्या देखा है बेटा आज रो कट रहा बिल्कुल किस बात का आपने रोजाना अल्लाह ताला मनियारे आ रहे हैं अच्छा आज देख बोल आज तो अच्छा भी आया हाँ किसान मेरी बात सुन ए सुन गजला मेरी बात ए सुन गजला मेरी बात किसा सुतीरा मनियारा से किसा चांद जना Thank you.
उसका तेरा उसका चले बड़ा मौका चारा से लोग कटेगा बट बाकी थोड़ा थोड़ा लिया छपिचान थोड़ा थोड़ा लिया छपिचान मिले उन्हीं के उन्हीं यारा से जनो धन पते खासे मेरा गाना सुधरा बेटे बुला कर हाँ बुला लूंगी तू बुला लूंगी तो मैं भी लूंगी। अच्छा फिर जो बात करे मैं कहूंगी वो सारी की ये भी सारी कहूंगी पहले बात कहूं। अच्छा मैं बात कहूं जब बात करे बड़े प्यार की Thank you.
अच्छा मैं बोल रही मुनिया रे लड़की के बात क्या कहना चाहती हो? चलो कहाँ मैं क्या पूछेगा? हाँ मेरी बात को कहाँ बुलाने के लिए आई है? मेरी बहन करना टूटी पड़ेगी। यहाँ तेरी बहन को क्यों नहीं बुलाई? वो काम यहाँ करती पड़ते तीन भी है। अच्छा हाँ वो पर्दे नसीम से इसके पर्दे पाते पड़े हैं। हेलमे मेरी बात सुनिए। Thank you.
कैसी गजना बुलावे मनियारे। तेरी बात में तेरी तो मेरे प्यारे। अच्छा पहली बात सब थोड़ी कच्ची और इनके लगती थोड़े। हाँ फिर तू ने खाली लाकर ना तो बात से बोले फिर कलम लिया बोले बोले दाम करा ले। हाँ अब तो मैं गजना बुलाऊ बनी। दूसरी बात छोकी नाम की कामत ना दर्दी लेना भूत है। हाँ ऐसा सब बिना चाहिए चंदा किसी भूत है फिर कभी दूर तो वह करे नहीं जा रहे। हाँ तो मैं गजना बुलाऊ बनी। और तीसरी बात वो के था मैं तुम्हारे साथ जाना पसंद नहीं करता हूँ। क्यों? एक बात बता कि तुम्हारे पास कोई शाही लुगाई भी है। शाही तो कमी सब छोरी चारी है। सब छोरी चारी है? हाँ। तो मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। क्यों? तुम्हारी बातों से मुझे शक होता है। यो छोरी आवन इधर का है तो खुशरे आवन डार का। गर्मे मुझे ऐसा किसी का ए तब से छोरिया मैं जाना को ना छोरिया में जाना को ना इस मनियार में रवा के न पैर जागी मैं बैठ जाना बार ना छोरिया में जाना को पाठ जगह तेरा थारे रज पाठ जगह तेरा थारे थाने बारे आन के नैल जगी बैठ जगह बार गिर देना भाड़ के माँ गिर देना भाड़ के माँ इसे प्यार में आन तेरी जगी मैं बैठ जाऊंगा बाहर कुछ देख देख थारे सारे अरे देख देख थारे सारे चिलो तार में आने बैठ जानी बैठ जाना बाहर चूड़िया मजा तो
से मन आबरू का ख्याल से नाते कौन नहीं चाहता अपने अरे कौन नहीं चाहता अपने रोजगार में बैठ जाऊंगा बाहर दुनिया में जाना लड़की के? मैं नहीं जा सकता तेरे साथ क्यों तुम उसको जाओ जिसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है अच्छा उसको जाके बोल दो अगर चूड़ी पहननी है वो खुद आएगी हम उसको चूड़ी पहना देंगे पहन कर ला हाँ वो पर नहीं आता बना लो उसको क्या बात क्यों नहीं आता नाच गया नाच गया हाँ अच्छा तुझे अर्जन में बुलाऊं ओ चूड़िया रे आजा हाँ ओ चूड़िया रे आजा मेरी मेल कर अरे तो मन पहुंचना से दूर के लेगी देर करके हो मुझे दे रखी है Thank you.
लाद शर्म न तार है तू जान पूछ के मत टंग मोरी की ईंट चुबार है रमशाल के समान क्यों बरते शेर करके हो मनियारा नाचे थे वो बंदे मीर में हबारे जुमा है बेटी नाचे थे और दुर्दन पत्मीर निदारे का नितने रंग छटे थे वो लेटी का काफिया का तुम भी हाँ दिखा काफिया का तुम भी मने तेरे करके रकते काग देख रपी को छेड़ करके हो गजना मैं तेरे मकान पर आकर चूड़ी नहीं पहना सकता। वो क्यों? अगर चूड़ी पहनने की ख्वाहिश है अपने चुबारे से नीचे उतर कर चली जा, मैं तुझे चूड़ी पहना दूंगा। मनियारे हाँ पैसे नहीं, नहीं माल तो यहाँ भी बिक सकता है और पैसे यहाँ भी मिल सकते हैं। देखिए ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे जैसे हमारे पास मिलेंगे आपको। यहाँ कुछ खोटे मिलेंगे मान लेंगे अगर हूँ। अच्छा बात यह है कि मैं एक गरीब मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी करने के लिए अपना माल बेचने के लिए अपने घर से आया हूँ। तू एक राजकुमारी और दूसरा कुमारी, तेरे महल में आना जो है मेरे लिए बड़ा दुश्वार है। मनियारे तू किसी बात से ना घबरा। नहीं घबराना तो पड़ता है। मैं तुम्हें खुद ही इजाजत दे रही हूँ, तू आता क्यों नहीं? तेरी इजाजत से मैं बेफिक्र नहीं होता हूँ, मुझे फिक्र सवार रहता है। मनियारे तुम्हें कैसा फिक्र है, क्यों फिक्र है? अरे तो भाई चालता फटकारा, अरे चालता फटकार जना तलवार का गया, अरे गठड़ी धरके शीश पे मनियार का गया। मां चालता फटकार जना तारण हो यार कद लगे रसी सन तारण अर्जुन अपना खेत समारण जनो अपना खेत समारण को जमींदार का गया गजरी धरके शीश पे मनियार का गया। मैदान प्यार कटी होना पर हैरान प्यार कदे होना पर हैरान और जड़ो खोली आन दुकान रे खोली आन दुकान को साहूकार का दया रे गठड़ी करके शीश पे मनियार का दया ढूंढे तभी ना थाने का अर्जुन गुरु दर्पत मीर न दाने का।
बड़ा गणपति मीर ने दाने का नचाड़ का गया चलता पटकारा गजना। हाँ मनियारे। क्या हुक्म है बताइए मुझे, क्यों बुलाया यहाँ पर? मनियारे पहले तो यूँ देखूं, तेरे वास्ते लोग को फांसी करता नहीं बना रखा। देख मेरी बात सुन। हाँ? जिस फांसी से मैं डरता हूँ वो फांसी आदमी को नजर नहीं आया करती, वो तो एकदम फिट हो जाए अगर। अच्छा। हाँ मनियारे पता मैंने क्यों बुलाया? क्यों? मैं चूड़ी पहनूंगी। चूड़ी पहननी है? हाँ। तो बैठो मैं चूड़ी पहना देता हूँ। और पहले यूँ बता। हाँ। तेरे पे किसी किसी चूड़ी से किस रंग की से किस रंग की है चूड़ी? हाँ। मेरे पास हर तरह की, हर किस्म की, हर रंग की, हर डिजाइन की चूड़ी होगी। बताइए। रत देखे इसी खुशी चूड़ी को ना, अरे इसी खुशी चूड़ी को ना, ये चली नरे सिक्के की, अरे गजना गोरी पहन लिए चूड़ी जो बन झके की, इसी खुशी चूड़ी को ना। चूड़ी पे गऊ का छत्ता दूजी से पड़ी की, एक चूड़ी पे गऊ का छत्ता दूजी से पड़ी की, अरे तीजी चूड़ी बाल का छत्ता चौथी से हाड़ी की, और पांचवी चूड़ी आ सातवीं चूड़ी आसमानी, और आठवीं से जारी की। उनके पैसे? ये तो मैं पैसे दे ले की ना खामा। अच्छा? अरे पैसे दे ले की ना खामा, मिला लाख टके की, गजना गोरी पहन लिए चूड़ी तो बन झके की, चांद की और तारे की। हाँ 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 हाँ। चांद की और तारे की सूरजमुखी हो तेरा, अरे एक बिरण चतिये की चूड़ी, एक चूड़ी सांप गुहेरा, एक पति सेवा की चूड़ी से मैं किस्म किस्म की ले रहा, अरे आज काल के फैशन की एक धरती चक मंडेरा, अरे काली पीली लाल हरी। अच्छा? काली पीली लाल हरी मेरी चूड़ी रंग पक्के की, गजला गोरी पहन लिए चूड़ी जो बन झके की, जमींदारू चूड़ी में काम जमींदारू करा दू। अच्छा? ब्राह्मण की चूड़ी से। हाँ, 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 एक ब्राह्मण की चूड़ी से जो हो सके दाचारी, अरे एक बढ़िए की चूड़ी से जो हो सोग दहारी, और एक राज पूत की चूड़ी चिड़के रखती हाथ कचारी, और एक जाट के की चूड़ी पहनते परिजन।
लगी किलकारी। क्यों? क्योंकि जाटके की चूड़ी ते ना, जाटके की चूड़ी ते जा हार उतर थके की जगना सोरी तेरे चूड़ी जो बन जाके की। बड़ी अच्छा, अगर हमारी पसंद की पैर नहीं है हाँ। तो वो मैं बता देता हूँ। वो कौन सी बला? जति जान लगा के देखे चूड़ी हो, जान लगा के देखे चूड़ी मिल जा कभी दान की। अरे नगर सुनारी जमुआ तोरे चूड़ी मिले जान की। और? आशिक नाशू की चूड़ी बिन गुरुजन बचना ही ध्यान की। तेरा जी चाहे ते पहरनी है एक चूड़ी मुसलमान की। चूड़ी ते क्यों जा? जब तू शर्म आमदी चूड़ी तेरे हाँ। जब शर्म आमदी चूड़ी तेरे ज्यारत हो जा मक्के की। बचना गोरी पहरनी है चूड़ी जो बन जाके की। चूड़ी मेरे पास हर तरह की होंगी। अच्छा, जैसी आपने पहननी है बैठ के पहन सकती हो। नू ना करे, मैं तो नहीं अगरा करूं। मनियारे हाँ ले फिर परा दे चूड़ी। बैठो यहाँ, मैं तुम्हें चूड़ी पहना देता हूँ। बैठ तुम भी परा ले बैठ। हाँ मनियारे मैं तारे गाठड़ी जड़ में आन टिकाई। ओले गजनों ने जटिया के कर दी बना दुख नरम गजना शाही मनियारा। मन इसी पर आते चूड़ी जिसपे लगे दा चमकारा। अरे करके पसंद हाथ लगा, करके पसंद हाथ लगा ये रंग पड़े दस बारा। तो मैं तो पाकिस्तानी चूड़ी पहनूं जिसपे चांदर तारा। अरे ये तरह तरह की चूड़ी सुन, अरे तरह तरह की चूड़ी से तू पहर लिए मन चाही। रंग पहना चिकसू मेरे ये पसंद में आई। पाकिस्तानी रंग पाशिक है हाँ। लेकिन ये तो बहुत महंगा पड़ेगा। क्यों बोला? कितना महंगा पड़ेगा? जिस लोगों ने पाकिस्तान महंगा पड़े इसी चूड़ी सोच लिए। सवा लाख का जोड़ा सजा वो गुंजाश गात मां। करता कती रात मां तो चूड़ी कदे आ जा दर्द हाथ में। अरे ये चाट चाट के चूड़ी मना, देखिए अरे चाट चाट के चूड़ी मना सारी रंगदार चढ़ाई। मेरे खून उतर गया पोचे में ये हाथ मोचे अन्याई।
बदला हाँ तो मुझे है अरे मैं चूड़ी का प्राणी आ जी मैं नहीं है बराग रू मर दूंगा फूक सदी चूड़ी बाकी अरे दो एक चूड़ी बाकी से 15-20 पर आली पूछे जान पे मार दिए तेरा आगे नार झुका दी रे तेरी जय मार कसूती से सुन गजे सिंह की जाई ओ देखे काबू की बात रहे जिस चाचा इसकी कसाई भेदा गजना मेरा तेरा घना बीचा तू पछे पिछका वेदी जबी तू पछे पिछका वेदी जबी सोचेगी आगा पीछा के कह के अपने बिहार से गई बंदे में हम आए पर मेरी नंद के भाई गजना हाँ मैं रे चूड़ी पहन ली है चूड़ी तो पहन ली लाओ पैसे मेरे पैसा क्या करेगा पैसा करूंगा क्या अपने घर ले जाऊंगा मैं ज्यादा देर लगाना पसंद नहीं करता हूँ जिस काम के लिए बुलाया था वो काम पूरा हो गया है मेरे पैसे दे ताकि मैं अपने घर जाऊँ मनियारे आपको पता नहीं हमने आपको किस लिए बुलाया वो किस लिए बुलाया था मैं तो सिर्फ आपसे प्यार की बात करना चाहती हूँ प्यार की बात हाँ मैं तो नहीं बात को मानता हूँ क्यों नहीं मानते चूड़ी पहननी थी इसलिए मुझे बुलाया था अच्छा तो चूड़ी तो पहन दी मैडम नहीं आ रहे फिर पैसे लो पैसे मेरे पास नहीं और ना मैं तुम्हें पैसे दे सकती क्यों मेरा तो तन मन सिर्फ तेरा ऐसा है रत तू शहजादी मैं मनियार हाँ सुना है मनियारे मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ रे तू से दादी मैं मनियार मेरा तेरा नहीं निभेगा प्यार परी मैं तेरी जोड़ का कोना जोड़ का कोना कती बेकूक नहीं गठड़ी उठा के तेरे घर पर धर दूं ईसा कती बेकूक नहीं गठड़ी उठा के तेरे घर पर धर दूं कई कई बनेम करूं झूठा सच्चा तेरा पेटा भर दूं कई कई बनेम करूं झूठा सच्चा तेरा पेटा भर दूं रे कर दूं झूठे कवल करार फेर पछे निकड़ तकरार परी मैं तेरी जोड़ का कोना जोड़ का कोना I'm gonna get
चंचला रे चिड़िया ने मोह रे रावण करू और कंसना जिन बंदे ने करी आस की उनके चले बेल बंसना जिन बंदे ने करी आस की उनके चले बेल बंसना रे देखे काग हंसना यार मैं इस बिदु होया पड़ा लाचार परी बजरी जोड़ का कोना जोड़ का कोना अमीर सुनारी लाला जिसने जाने सब हरियाणा जम्मू अमीर सुनारी लाला जिसने जाने सब हरियाणा बंदे मीर दया सतगुर की जुग जुग बसियो नगर नंदाना बंदे मीर दया सतगुर की जुग जुग बसियो नगर नंदाना ये गाना रे जी किसी दीवार गए मैदान सन तक हार परी मैं तेरी जोड़ का कोना देखिए बात यह है मैं तेरे मुकाबले का आदमी नहीं मैं एक मजदूर हूँ अपना माल बेचने के लिए अपने घर से आया था मेरे पैसे दे ताकि मैं अपने घर जाऊं मेरे घर वाले मेरा इंतजार करते होंगे हाँ तेरे घर वाले इंतजार क्यों करते होंगे घर वाले इंतजार क्यों किया करते हैं मनियारे बात एक और सुन ले वो क्या है हो तो गया मेरे मन में जलो तेरे गालू फूल माला दुनिया की गाड़ा में
भंगवा दूं, बोले कोट पतलून का फैशन हो मरंग मरंग मिला दूं, वो बूट दाज मैं कल है अब बोलते सारा मैं वो कटनी डाले सुना तो जरूर लेकिन मैं ये बातें तेरी मानने के लिए तैयार नहीं। क्यों बोला क्यों नहीं मानता के बात? रथ दिखा चांद सी शान गोरी। अच्छा दिखा चांद सी शान गोरी फिर तने डाब दिया मेहमान गोरी और मेरा दिखावे जान गोरी दिखे नीच राम से दिखे नीच हरा तू जो कुछ कहना चाहती है मैं इसको समझता हूँ। लेकिन मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं। रदिका चांद शीशान गोरी चला डाब दिया मेहमान गोरी और मेरा दिखा वे जान गोरी दिखे नीच हराम से तुझे सम बदनाम से दिखा चांद शीशान गोरी तेरा कित गारे बाग का मारी ओ तेरा कित गारे बाग का मारी और तू डाली लगी झुकान गोरी डाली लगी झुकान गोरी मना हाथ लान की भी आन गोरी मैं क्यों कर लगू खान गोरी तू खड़ा बेराना आम से गदे समय बदनाम से दिखा चांद शीशा गोरी मेरे गल में घलगी अरे कलियारी जगत में दही दीर तैयारी ओ जगत में दही दीर तैयारी और ते सारी माता बहन गोरी सारी माता बहन गोरी ना रे सारी माता बहन गोरी ना समझा झूठ तफान गोरी रखड़ी लगी लखान गोरी तू असल नीच का नाम से तू देसा मैं बदनाम से दिखा चांद सी क्यों बुरी निगाह मेरे पे रे क्यों ना तू जख्म जिगर के सेके ओ क्यों ना तू जख्म जिगर के सेके देखे है जयो देखे नहीं जान गोरी जे देखे नहीं जान गोरी वो देख रहा भगवान गोरी धरती और आसमान गोरी धर्म बेचारा थाम से तू देसा में बदनाम से दिखा चांद सी शान गोरी रे ग्राउंड मदीना खेकड़ा पर भालू सब नाम सुन मेरे लद
गई महम भैन समार गोरी, महम भैन समार गोरी, पर मामा घर की पहचान गोरी, रदासी साब बराण गोरी, बेचने दाना गाम से तुझे साम बदनाम से दिखा चांद सी शाल गोरी, गोर दिया मेहमान गोरी, मेरा दिगा वे ध्यान गोरी, दिखे नीत हराम से। हाँ, तू तो उल्टी बात ला क्या था? उल्टी बात नहीं, देखिए मैं कई बार कह चुका हूँ कि मेरे पैसे दे ताकि मैं अपने घर जाऊँ। देखिए मैं यारे, मैं आपके हर तरह से हाजिर हूँ, और बात मेरी सुन ले। बात तेरी सुनता तो हूँ जरूर, लेकिन मुझे तेरी बातों से फायदा कुछ नहीं। क्यों क्यों? हाँ बताने, क्यों नहीं फायदा, के बात से फायदेगा? देखी तू खुलवा देगी भाई। अबे नू ना करे, न्यू के ना करे, तो मैं चूड़ी पहनाने के लिए बुलाया था। अच्छा, ये जाल जो बिछाया है इससे मैं चलता हूँ। हाँ, मैं तेरी सेवा में हाजिर तमें, इनकारी ना चाहिए। अरे माया खर मन यारा तू राज दुलारी ना चाहिए, तेरी सेवा में हाजिर तना इनकारी ना चाहिए। आखिर न मन यारा राज दुलारी ना चाहिए। किस खानदान में जन्म लिया मेरे? हाँ, किस खानदान में जन्म लिया, वो क्या तेरा नाम से? मेरे खानदान को ना गजना और ना घर गाँव से। देखे चीज भी कोने ले रहा, किसा आराम से? मैं ये चूड़ी बेचूं करूं गुजारा यो है काम से। वो या तुम्हें हाथ पड़ी इसमें क्या मन सारी ना चाहिए? जब रानी आठ में बढ़ जाई सा गवारी ना चाहिए। वो तेरी सेवा में हाजिर इनकारी ना चाहिए। आखिर न मन यारा राज दुलारी ना चाहिए। कबीर का प्रेम बुरा हो यो कबल करारा रह गया। बोले माफ पिता गुलगाम छोड़ी कितने करारा रह गया। मेरे माँ बाप मरे बालक के मन में कमारा रह गया। बोले माफ बोले कमारा। हाँ, तुम्हारे बोले कमारा तने क्या सारी बात सही है? रम गणा गरीब मन यार मन मनियारी ना चाहिए। तेरी सेवा में हाजिर इनकारी ना चाहिए। आकर न मनियारा राज दुलारी ना चाहिए। बोले मैं तेरे इश्क कमाना चाहे किसे न और बुलावा लिए। बोले मेरी साथ में मनिया रे तू ब्याह करवा लिए। हर को जोट देख के अपने ब्याह की सलाह जचा लिए। वो मैं बांधू धोरी सारी के गोटा किनारी ना चाहिए। बाप ने कह के ब्याह करवा ले यती उदारी ना चाहिए। तेरी सेवा में हाजिर इनकारी ना चाहिए। अगर न मन यारा राज दुलारी ना चाहिए। कर मेरी सलाह में सलाह। हाँ, कर मेरी सलाह में सलाह, मेरा दिलदार खोली मखा मेरा तेरा घना बीचा में लाचार हो लिया।
भोले बाप पकड़ ले हाथ में मेरा असवार खोलिया। और कह धनपत मीर मेरा कति इनकार हो लिया। मैं बड़ू चालनी गोरी मने कितकारी ना चाहिए। रज में पड़ चाहे बात टूटे इसी असवारी ना चाहिए। तेरी सेवा में हाजिर इनकारी ना चाहिए। आखिर न मनियारा राज दुलारी ना चाहिए। के बात मनियारे क्यों चाहिए? देखिए बात यह है, मैं अपने पैसे चाहता हूँ। पैसे? और अपने घर जाऊंगा। पैसे मनियारे का दूसरे घर मनी ऑर्डर करवा दू। मनी ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं। इन बातों में मुझे फंसाने की कोशिश नहीं करो। फंसाने? हाँ मनी ऑर्डर तुम्हें मेरे पास रहना पड़ेगा। नहीं मैं तेरे पास नहीं रह सकता हूँ। मैं आपको जाने नहीं दूंगी। क्यों? क्यों कहती? तो मैं तेरे पास कैसे रह सकता हूँ? क्यों नहीं रह सकते? क्या बात? ऐसी क्या बात है जो आप नहीं रह सकते? आप ऐसे करना कि आप दूसरे महल में रहना। नहीं नहीं दूसरे और तीसरे महल की बात नहीं, मैं किसी हालत में नहीं रह सकता। और क्यों नहीं रह सकते? क्या मैं दी सास्तरी। अच्छा दी सास्तरी। अरे धरे मैं कर मचा। अरे कौन हटने लग जा रहा। अरे सीढ़ी सपन वीर बिरानी पे कौन डटने लग जा। बोले भी पर दोती ठाई थी रे। अरे गंदा सोना गंदा सोना थी नगन उगाड़ी नक शर्माई थी रे। वो बीजी दोती मार चांद कभी दादी शाही थी रे। देखे इंदर का भी और मान घचा कौन घटन लग जा रहा। और सीढ़ी सपन पीर बेरानी पे कौन डटन लग जा। केस पकड़ के जट चकली रामन बली जन्म दूसरे मैं मारूंगी इस बे अकली रामन ना। और बात जन्म दूसरे मैं सीता बनी गड़ रखली रामन। रावण के बीस बुता दस शीस कके नू कौन कटन लग जा रहा। सीढ़ी सपन पीर बिरानी पे कौन डटन लग। भूप के दसी लाई थी रे।
जी ब्राठ भूप के दसी लाई थी रे, उसकी चक न ले देख भूत न लगी अंगाई थी। और बतलू बना मेरी बहू बने नया बात सुनाई थी रे, फिर उस भीम बलि ने बेरा पट गया गदा उठाई थी। सोचे का नाम मिचा न्यू कौन मिटन लग गया रे, ओ सीढ़ी सपन पीर बिरानी पे कौन डटन लग गया रे। भोजन खान तर देखे मैं मिलके राजी को ना तेरे कैसी जान तर, और गुरु दलपत मीर रहे राजी आठों पैरा गान तर। रंगना मैं टोक सड़क पे चोको कौन नचन लग गया रे, और सीढ़ी सपन बीर बिरानी कौन डटन लग बस मैं इसी तरह रहना जरूर पड़ेगा। गजना ये बात ठीक नहीं, मैं फिर भी कहता हूँ ज्यादा जिद करनी अच्छी बात नहीं। मन्यारे मैंने सब कुछ सोच लिया है। सोच लिया तो मैं इस तेरे महल में नहीं रहूंगा। मैंने आपके लिए और महल बनवाया है 2,25,000 का। अब आप लोगों से बताया जाता है कि वो मजबूरन उसके पास रहने लग जाता है, और वो एक बावरी को बुलाती है और उससे वो सुरंग जारी कराती है अपने महल से और मन्यार की जगह तक, जिसके रास्ते वो मुलाकात करती रहती है। क्या बहन, क्या बहन, ऐसा करो क्या जरा बावरी के बावरी को लाओ बुला। बावरी के जितर अरे बावरी से बिस्तर बुला तेरे दो मारू लीटर। बकवास नहीं कर क्यों आई हसमुख? तेरे को मेरी बहन गजना बुला रही है। तेरी बहन गजना बुलाओ है? हाँ। अच्छा चलो चलो, हम तो आगे बाण गजना। हाँ ये आगे। हाँ जी। हाँ रे बुआ, क्यों बुलाया हूँ? भाई मैंने आपसे काम है थोड़ा। के काम है? मैंने सुरंग खुदवानी है। सुरंग का मारा तेरा सूत नहीं बैठेगा। क्यों? थारी धरती करड़ी मेरे हथियार खुंडे। उल्टी बात ना करे। अच्छा देखिए बात सुन ले। बता। जो ये बार महल बन रहा ना, हाँ उस महल से यहाँ तक सुरंग खोल दे। वो तेरा 2,25,000 रुपए का जो महल बने है, हाँ वहाँ से लगाकर यहाँ तक सुरंग जारी होनी चाहिए। ठीक। हाँ। लेकिन बात एक और है। ओके। तेरे भाव का भी पता है, महंगाई किसी हो रही है? किसी हो रही है महंगाई? 35 रुपये हाथ लूंगा। ठीक 35 रुपये हाथ। हाँ मैं ऊपर दो नौ कोड़ियां बता आपके तो आधे 70 ले ली खोद दूंगा तेरी होठा दे। अच्छा नू ना पर बात यह है के? अके तेरा इंसाफ के कैसे? मेरा इंसाफ? हाँ सुनो भैया, तीन पीछे हाथ दे। तीन पीछे हाथ? तू एक काम करिए, तेरे तीन पैसे नहीं मारे 35 रुपये नहीं, तू मैंने 1.5 पैसे कल दे। अरे भाई बात चले। हाँ मैंने राजी कर देगी। हाँ? बिल्कुल। अच्छा ले सुरंग तेरी खुदा है।
गजना हाँ। देख सुरंग खोती कि नहीं, चल दिखा मेरा सुरंग। देख उड़े राजी कर दिए। उड़े राजी कर दूं? हाँ। अरे भाई सुरंग तो बहुत अच्छी खोती। अच्छी खोती देख ले, घोड़े पर चढ़ के जवान अगर तुरा बांध के जागा ना तो वो भी पल्ला नहीं लाग सकता, इसी बढ़िया सुरंग खोती है। अच्छा बात सुन ले। हाँ। सुरंग तो बहुत अच्छी खोती से। फिर तेरे हिसाब में बताऊं कितना हो गया? हाँ तेरे हिसाब के हो गए 500 रुपए। तूने ऊपर 600 रुपए ले जा राजी होता चलेगा। नहीं नहीं रुपया का जिक्र छोड़ दे एकदम। नुआ करूंगा मैं तो। अच्छा तुम्हें दिला पूरा राजी होगा? मना निरा राजी कर। चला 1000 रुपए ले जा। मखा रुपया की तो तू रेल गाड़ी भर के देना जब भी चाहना नहीं से। मना तो राजी कर दे। नुआ कर। अच्छा तुम्हें निरा राजी होगा? हाँ। अच्छा मैं तुम्हें बात बताऊं? बता। अगर हिंदुस्तान पे हाँ पाकिस्तान का कब्जा हो जाए ठीक बोल तू राजी है नाराज? हिंदुस्तान पे पाकिस्तान का कब्जा हो जाए तो मैं राजी हूँ। जब नाराज तक हूँ तो कोई ना कोई मुसलमान मेरा ये प्लेटफॉर्म साफ करे। ठीक है जा साफ हो गया। मैं राजी हूँ। ठीक है जा। हाँ अरे मेरे साथ मार के जाओ रोटी खा के चले जाइए। महाराज तेरा रोटियां का भी सूत नहीं बैठेगा क्यों? थारे क्या मैं पका करे तवे पे या तंदूर पे? मैं तवे तंदूर की नहीं खा करूँ। और क्या नहीं खा करे? मारे घर तो कछुए की खोपड़ी पे पका कर खुआया करे। और थारे सालन वगैरह क्या होगा? हाँ मुर्गा पकाना है या हाँ मुर्गे का नाम ना ले दिए मेरा हैजा हो जाएगा। अरे बकरा? बकरा हो जा खा लूंगा तो नमूनिया हो जाएगा। तित्र बटेरे? नहीं नहीं बेकार से है। अच्छा तुम के खाया करो? मारे घर हाँ। मारे घर चिपटन गो का अचार, करगसा का मुरब्बा, माखिया की भूजी। खा के दे देख बीमारी नहीं रहेगी एक भी। जब वो सुरंग जारी करा लेती है और बहुत दिन तक गदना आती जाती रहती है। अब वो बई बोल के न प्यारी प्यारी हो बोल के न प्यारी प्यारी सहम लिया डांट में फिर बैठ गया अकेला उसी नादनी की बात में। बोल के न प्यारी प्यारी सहम लिया डांट में बैठ गया अकेला उसी नादनी की बात में। अरे आशिकी में आदमी की रहता जात ना और तन में वो चटी मेरे चैन दिन रात ना चैन दिन रात ना। आशिकी में आदमी की रहता जात ना और तन में वो चटी मेरे चैन दिन रात ना भाई चैन दिन रात ना। अरे नींद नहीं आती पर के भाई नींद नहीं आती पर के देख लिया खाट में रे बैठ गया अकेला उसी नाजनी की बात में। बोल के न प्यारी प्यारी रे गेर के नरा पूछा नहीं हाल भी मैं आदमी परदेसी मेरा आया नहीं ख्याल भी आया नहीं ख्याल भी। गेर के नरा मेरा पूछा नहीं हाल भी मैं आदमी परदेसी मेरा आया नहीं ख्याल भी आया नहीं ख्याल भी। आज वो है जान हो गया जरा वो है जान हो गया जरा रचोक दिया काट में भाई बैठ गया अकेला उसी नादनी की बात में। अरे धोखे की नारी सारी बांध खोल ठीक ना और ये मिलके कमाल कर दे मेल जोल ठीक ना मेल जोल ठीक ना। धोखे की नारी सारी
बंद खोल ठीक ना और मिलके कमाल कर गे मेल जोल ठीक ना मेल जोल ठीक ना भाई कोई मत आइयो लोगो हाँ कोई मत आइयो लोगो इन औरतों की आंट में रे बैठ जा अकेला उसी नादनी की बात में भाई पहले तो सची को ना आशिकी के जोश में अरे खाकर न ठोकर बंदे मीर होया होश में मीर होया होश में पहले तो सची को ना आशिकी के जोश में अरे खाकर न ठोकर बंदे मीर होया होश में मीर होया होश में फिर सोच सी मैं होके बैठा हाँ सोच सी मैं होके बैठा बाबरा के ठाट में रे बैठ गया अकेला उसी नाजनी की बात में हाँ बोल कने प्यारी प्यारी अब वो बहुत दिन तक गजनाती जाती रहती है। एक दिन उसकी छोटी बहन हसमुख आती है और आकर उसके साथ क्या बातचीत करती है। मनिया रे कौन बोलता है? हसमुख तू इस वक्त क्यों आई है यहाँ? गजना क्यों आई थी? उसका तो कुछ काम था। मेरा कोई काम है? तुझे क्या काम है? उसका क्या काम था? उसने तो बाजी खेलनी थी। हम भी बाजी खेले। मोटर तोड़े खोए गए। हेलो हसमुख तेरा इस वक्त यहाँ पर आना अच्छा नहीं। क्यों? मेरी बात सुन। सुनाइए। तेरा इस वक्त जो आना है यहाँ अच्छा ये बिल्कुल बेकार है और तुझे आना नहीं चाहिए था। किसलिए? तू जो कहती है कि मैं बाजी खेलने आई हूँ हाँ। तेरा कोई हक नहीं पड़ता। किसलिए नहीं पड़ता? मेरी बात सुन। मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? अरे ते डूब गई रे डूब गई अरे डूब गई ओ डूब गई हसमुख दाऊ निस्तर की ए? और सारे बाण जी छठी साड़ी वो से बेटी बरगी Oh,
जैसा करके भैया तेरा बाना ठीक नहीं सै कर दे चार मेरी तरफ लखाना ठीक नहीं सै अरे सैती हर का रे डूब गई रे डूब गई डूब गई रे डूब गई हसमुख दा हूं निस्तर जी अरे सारे भाड़ जी छठी साड़ी यहां से देखी बरगी अरे डूब गई डूब गई नेम धर्म न जगू जबरदस्त छेड़ करे तेरा गाम छोड़ के भगू तेरे कुछ तासमुख शर्मये मैं तेरे बाप बराबर लगू और इसे सांग तू कंधे जना अरे इसे सांग तू कढ़े जाना वा तेरी बड़ी दे दे मरगी अरे साले भान जी छोटी साली ओ से बेटी मरगी अरे डूब गई अच्छा
बीर बिरानी ने वैर चकू न मने आन मीर जमुना की गुरुदन पत मीर का खास ने लिखा मेरा शुगर जे खिड़की रे सारे भान जी छोटी साई यहो सत्य की बरगी लड़की हसमुख तू क्यों आई है? आपको किसी चीज का मामला बता दी। मुझे किसी चीज का इल्म होना चाहिए था। हाँ हाँ, जो 7,00,000 रुपए लगा कर नया महल बनवाया है, फिर क्या बात है? सुना शाबाश। बेटी बिगड़ चुका है।
वाली कौन सी बात है? जाओ, मैं उसका इंतजाम ऐसा करता हूँ कि उसके पास अभी पुलिस वाले को भेजता हूँ और उसको गिरफ्तार करके अभी लेके आते हैं। कोई याद रहे? हाँ जी। देखिए बात सुनो। क्या है? जो शहर से बाहर महल है ना, हाँ, उसकी तलाशी ले जाके। क्या उसमें कोई किराएदार रहता है? किराएदार नहीं, वहाँ पे मुर्जी में उसको पकड़ के लाओ। अच्छा, हाँ। अभी लो बादशाह सलामत, मिनट दो लगती है। जाओ। क्या रे? आइए जनाब। आइए जनाब, इधर आओ। आगे हैं। क्या हुक्म है? आपने मुझे गिरफ्तार क्यों कर लिया है? हमारे दिमाग में इतनी ताकत नहीं है कि हम किसी की गिरफ्तारी का जवाब दे सके। कल शहर में किसी मौजूद आदमी से दरियाफत करके तब जवाब दूंगा कि आप किस लिए गिरफ्तार करे हो। जवाब के दिमाग में इतनी ताकत नहीं कि किसी की गिरफ्तारी का जवाब दे सके, फिर गवर्नमेंट का राशन क्यों खाते हो? अरे मियां, जब चीनी खाने को मिलती है तो खाने की ऐसी तैसी बातें नहीं करो। आगे करो, बादशाह का ऑर्डर है कि एकदम से इसको गिरफ्तार करो और हमारा हाथ में बंद कर दो। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह कर तू पार। चलिए जनाब, चलिए आगे लगो। एक दो मिनट आप यहाँ तशरीफ रखें, एक मेरा दोस्त है, मैं उससे जरा दो बात कर लेता हूँ। ऐसे दोस्त हमारे को रात दिन दिखते हैं, नजर आते हैं। तुम जैसे फरार आदमी को हम बहुत अच्छी तरह ताड़ते हैं। तुम हमारे से दाव लगाते किसी ना चाहते? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। और क्या है? मेहरबानी करें, दो मिनट बैठे। छोड़ो बैठने बैठने को, क्या नाम है तुम्हारे दोस्त का? नाम से तुम क्या मतलब है? ये हथकड़ी मुझे दे और मैं अभी आता हूँ। कैसे ईमानदार मुझे मिले हैं मियां। अच्छा एक काम करना, शरीफ आदमी मालूम देते हो तुम, जरा वापिस जल्दी आने करना, कभी हमारा भी टुकड़ा छुड़वा दो। बेहतर है। रे गदना क्यों मनिया रे, अरे गदना क्यों मनिया रे, मैं मुलजिम सरकार का, रे गदना क्यों मनिया रे, मैं मुलजिम सरकार का। जिस दिन करी थी परीत तेरे दर, मैं पहला नाचा था ये होगा मनिया रे, अरे मेरी आज खबर तलक भी नहीं लई, मैं बता पहला क्यों नाचा था ये होगा मनिया रे, अरे गदना छुटाना गरीबना तू मनिया रे, मैं मुलजिम सरकार का, वो मैं जान तलक जुआन तेरे पर, वो बता तब है के कम से, अरे तू झूठी बोले इतना फिक्र कर ना इतना, अरे तू झूठी वो मनिया रे, अरे तू शहजादी वो मनिया रे, अरे तू शहजादी धन धरन हो पाए, गगना तू मनिया रे,
कदे लाख टके की इज्जत थी बिगड़ी मैं झेला हो गया दे हो गया बनिया दे अरे मेरे मात पिता ना भाई बन मत कटिए अकेला हो गया दे हो गया बनिया दे तेरे गजना परिवार का देखना मनियारे हो मने गैर मरदी सुनी नहीं आवाज बोले वहीं की तो मनियारे देखे आज तक बता तू शहजादी अरे मेरा हाथ हाथ कड़ी लारा की रख गल मेरा चपड़ा बंदे मीर चली आइए जड़ मैं टूटूंगा फांसी अच्छा बनिया रे तेरा गजना क्यों बनिया रे गजना क्यों बनिया रे जा दर्श करे रे दिलीदारी का अच्छा मैं जाता हूँ और मेरे सिर्फ तेरे को ये इतला करनी थी मैं मिलने के लिए नहीं आया मैं सिर्फ जाता हूँ सिर्फ इतनी इतला करने के लिए आया था मैंने को तू फिक्र ना करे किसी बात का भी मैं खुद आ दूंगी बेहतर है खुद छुटा लूंगी तुम्हें जनाब सलाम अलैकुम आओ आओ मालूम तो देते हो ईमानदार आदमी हो चलो जनाब आगे रखो चलिए बड़ी देर कर दी जनाब ने बादशाह सलामत अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्यों लेके जनाब मैंने वो हवालात में मुलजिम जो था हा? वो अंदर बंद कर दिया गिरफ्तार करके अच्छा अब आप मेरे लिए आर्डर बताएं क्या है तेरे लिए आर्डर ये है कि आप ऐसा करो कि मुनियादी कर दो वो जो धर्म वाले हाँ मुनियादी कर देते मुनियादी कर दो कि मुनियारा 8 बजे सुबह फांसी टूटेगा बहुत अच्छा देखिए जनाबे वाला क्या कहता है मुनियादी वाला मुनियादी सुनना गौर से फिर बात करना किसी और से आज हमने नया मुलजिम जो गिरफ्तार किया है इसको सुबह 8 बजे फांसी तोड़ा जाएगा डे 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 अच्छा जी बात है सलामत मैं देखता हूँ उसको देखो इसको पूछ करो कुछ करे जनाब आपने अगर कुछ खाना पीना है तो खा पी सकते हो अगर किसी से मिलना जुलना है तो मिलजुल सकते हो क्योंकि आपके मरने में कुल 2.5 घंटे रह गए फटाफट करो 1.5 घंटा रह गया बहुत जल्दी अरे मियां सोचते हो क्या मैं कहता हूँ घड़ी हमारी बिल्कुल सही कह रही है आपके मरने में कुल 20 मिनट कम घंटा रह गया अरे तो भाई पान मिठाई दूर आता लो ये पान मिठाई खाने के लिए नहीं बिल्कुल नहीं क्यों ये पान मिठाई दूर आता लो मैं कुछ ना चाहता खाना मन एक गजना से मिला दियो ना और चीज की चना पान मिठाई दूरा चालियो कुछ ना चाहता खाना अरे एक गजना से मिला दियो ना और चीज की चना कर है क्या देखे मौके पे ना मिलने पाई वो पचा नारे कहेगी रमोस बठा जा रांड बना जा वो तीज त्योहार कहेगी और जने जने के अगे वा करके तकरार कहेगी एक दाग मेरा ना उतरे मन दुनियादार कहेगी
बंबई दरगाह तक और पहला तक मेरा सब मारेंगे ताना। रे एक गदना से मिला दियो ना और चीज की जाना। कभी ये सोचते हो कि ये मनियार है और क्या हो भाई भाई शहर धर्मगढ़ एक कोरा कागज मंगवा के लिख लो नारा नारा। शहर धर्मगढ़ राव धर्म सिंह वो से बाप हमारा नाम काम और पता निशानी में चला बता दू सारा। मेरे बाप पे खबर करो तेरा मर लिया रतन कमारा। ये तीन पैसे का कार्ड आवागा देख दिया परवाना। भैया गजना से मिला दिए ना और चीज की जाना। चाचा ताऊ बहुत हनजीरा आ जागी मेरी रानी। भाई जितना मेरा मामला गुजरा कह दिया साफ कहानी। अरे अगड़े पड़ोसी चाचा ताई आ जागी मेरी रानी। और कोई भागमान सा मनुष्य उठ के बता दियो मेरी जानी। और कह दन फते सिंह मेरे छड़े पे जुड़कर राजा ठुला पाना। एक गजना से मिला दियो ना और चीज की जाना। हेलो जनाब, आपका अभी अभी 5 मिनट बकाया है, आप आराम करें, मैं बादशाह सलामत से आर्डर लेके आता हूँ। अब उसे मिलने के लिए वो गजना आती है। जब देखी थी घड़ी कर मर्दाना बेसवा करते गजना चाल पड़ी। ओ नाई धोई मैं बोला ना बंदा हाथ के नारा ते बंदे सी मर गया ते हो जा चाल चली। लड़की
जी तुम क्यों आई हो? मनियारा तुम्हें पता है किस लिए गिरफ्तार किया गया है? ये बेगुनाह नहीं है, इसने जबरदस्त हमारी इज्जत पे हमला किया है। देखिए पिताजी, मैंने जो कुछ भी किया है वो मैंने किया है, इसने कुछ नहीं किया। अच्छा हाँ। फिर हमारी शर्तें पूरी करेगा? हाँ, मैं इसके साथ शादी कराना चाहती हूँ। शादी कराने जब चाहती है तो हमारी पहले शर्तें पूरी करेगा। सर क्यों भाई? जी हाँ जरूर। पूछो क्या शर्त आपकी? अच्छा हमारे को 20 तक गिन के दिखाओ। 1 2 3 4 5 अरे ऐसे नहीं, तो 20 19 18 17 16 15 14। नहीं भाई नहीं नहीं। और कैसे? वेदांत तरीके से। लो सुनो मैं गिन देता हूँ। हाँ सुनाओ। एक ओकार, दो द्वापर, तीन त्रिलोक, चार युग, पांच पांडु, छह शास्त्र, सात दीप, अष्टकुली, नौ खंड, दस दिशा, 11 रुद्र, 12 पंथ, 13 रतन, 14 विद्या, 15 तिथि, 16 कला, 17 सतुकार, 18 पुराण, 19 भार वनस्पति, 20 विषय भगवान। अच्छा पिताजी अब तो ठीक है। हाँ ठीक है, अब हमारी शादी होनी चाहिए। अब वो उसको फांसी पर से उतरवा देती है और उनकी शादी दोनों की हो जाती है और तमाशा खत्म हो गया है। यहाँ से पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी तमाम हजरात से ये इल्तमास है, अगर हमारी कैसेट खास अगर चाहिए तो नदीम म्यूजिक सेंटर कोसानागाई अनारकली मुल्तान से आप खरीदें, जिस पर हमारी तस्वीर तस्मा होगी और खास चीज होगी। जिस साहिबान को ख्वाहिश है वो कोसानागाई मुल्तान म्यूजिक सेंटर नदीम से आकर खरीदें। अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जियो सत्तारे।